नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं डी एन स्टील लाइव। ये यूं कहें तो बेगूसराय का एक और गेटवे पुल है। रामपुर पुल की बात करता हूं, गंडक नदी पर बना हुआ है। इसके एक साइड में बेगूसराय जिला है और दूसरे साइड में समस्तीपुर जिला है। आज से कुछ दिन पहले मुझे लग रहा है यही कोई 20 साल के अंदर का ये पुल है। हालात इतनी अच्छी नहीं है। गंडक नदी का प्रेशर लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है, जो खतरे के निशान से, और ये आम बात है। हर साल हमारा जो ध्येय होता है कि खतरे के निशान से 5 मीटर, जो 2 मीटर 3 मीटर तक ऊपर जाना ही है, हम सिर्फ उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ की हालात है कि जो पहले आज से 30 साल 40 साल पहले जो मंदिर बने थे, अब वो ज़मीन के नीचे जा चुके हैं। किंतु आस्था और विश्वास का अद्भुत उदाहरण पेश किया गया है। मंदिर के डूबने के बाद उससे भी खूबसूरत मंदिर वहाँ से मात्र 100 मीटर नदी के किनारे से ऊपर रामपुर घाट पे बनाया गया है, जिसे देखने वालों की नजर टिक जाती है। इस अस्पर्शनीय मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार भी जो चीज टूट जाते हैं या टूटने वाले हैं उसका उदाहरण पेश करे, उसे खूबसूरत चीज बना करके दे, और ये उनकी जिम्मेदारी है। किंतु वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था का पोल यहाँ खोलता है कि हमें आगे के लिए सोच रखता नहीं है, और जिसकी हालात है। बाकी मैं इस नदियों का पूरा वर्णन दिखाऊंगा आपको। ये जो नदी का रौद्र रूप देख रहे हैं आप, ये गंडक नदी ही है, और ये है समस्तीपुर जिला के करक गांव। यूं कहें तो देसरी करक कहा जाता है इसको। जो दबाव है वो भी समान रूप से है, लेकिन इधर बचाव की कमी देखी जा रही है। लोग भयभीत हैं। कुछ आपदा राहत के तौर पर इकट्ठा किया गया है, लेकिन इससे लोग यहाँ के संतुष्ट नहीं है। बांध का दबाव समान रूप से बना हुआ है। कुछ वर्षों तक वीरान पड़ा हुआ यह करक, यहाँ रौनक तो आ गया है, लेकिन सारा कारोबार, यहाँ के लोगों के सारा रहन सहन को यहाँ की नदियों का दबाव वो बिगाड़ देता है। आप देख रहे हैं कि जो विस्थापित लोग हैं, जो इधर उधर से जिनके कोई सहारा नहीं मिलता है, वो बांध के किनारे रहते थे, लेकिन अब नदी ने उनका सारा का सारा रहन सहन उखाड़ कर फेंक दिया है। घरों में पानी भरे हुए हैं, मजबूर हैं बांध के ऊपर रहने को। ये सब वही लोग हैं। दूसरी तरफ करक गांव है, जो अपनी रौनक बिखेरे हुए है, किंतु भय का माहौल समान रूप से बना हुआ है।